हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रपा जी का कोट है 1972 टोक्यो, द डिफिकल्टीज समटाइम्स कृष्णास आशीर्वाद ब्लेसिंग मे बी जस्ट द अपोजिट कृष्णा विल टेक अवे सो एट दैट टाइम दे बिकम अथीस्ट। इसका हिंदी में अनुवाद है, समस्या यह है कि कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है, श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे तो उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रणाम। तो वेरी इंटरेस्टिंग कोट, आमतौर पे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, महात्माओं से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो आशीर्वाद दें, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो भौतिक स्थिति है उसमें सुधार होगा, उसमें प्रगति होगी, ये नॉर्मल धारणा है। लेकिन भगवान हमें इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं, ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो। भौतिक स्थिति कुछ भी रहे, हो सकता है भौतिक स्थिति में थोड़ा डाउनफॉल आ जाए, लेकिन कृष्ण उतना ही हमें देते हैं जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के अपने जीवन में, प्रभुपाद जी बिजनेस कर रहे थे, कई बार उन्हें सफलता मिली, कई बार नहीं मिली, और अंत में जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कोट पढ़ी, यस अहम अनुग्रामी हरिष्ये तद् धनं शनैः, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका मैं धन धीरे धीरे हर लेता हूं। तो जब ये कोट प्रभुपाद जी ने पढ़ी तो उन्हें लगा कि कृष्ण वांट्स मी टू फुल्ली एंगेज इन सर्विस, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम मुझे घर बार छोड़कर अपने गुरु महाराज को आदेश है कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, उसको पूरी तरह उसमें लगना है। तो वैसे उन्होंने किया। तो फॉर ए हायर कॉज, फॉर ए हायर स्पिरिचुअल कॉज, भगवान जो है हमसे कई बार हमारी जो भौतिक सुविधाएं हैं वो हर लेते हैं। जब भौतिक सुविधाएं बहुत बढ़ जाती हैं तो महारानी कुंती बताती हैं कि हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाते। जन्म ऐश्वर्य श्रुत भी एद माना मद अपमान नहीं वर्ते तम अकिंचन गोचरा, कि हे कृष्ण जिस व्यक्ति के पास बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ, जन्म ऐश्वर्य और समृद्धि है उसके पास, धन बहुत है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, श्री भी जो बहुत सुंदर है, जिसके पास ये उपलब्धियां हैं, इनमें से एक भी है, वो भाव पूर्वक आपकी शरण में नहीं आता, उसे इन वस्तुओं का गर्व हो जाता है, और आप किसको मिलते हो, तो हम अकिंचन अगोचर, लेकिन आप उसको मिलते हैं कि जो ये समझता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, विनम्र हम्बल। तो इन चीजों के होते हुए व्यक्ति प्राय देखा जाता है कि वो विनम्र नहीं होता। और दूसरा श्लोक महारानी कुंती का ही बड़ा महत्वपूर्ण है इस कोट को दर्शाने के लिए, वो भगवान से विपदा संतु ते शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शना पुनः भक्त दप्तो दर्शना पुनः पुनः भव दर्शनम, कि हे कृष्ण मैं आपसे विपत्तियां मांगती हूँ। कौन मांगता है विपत्तियां भगवान से? कोई नहीं मांगता, लेकिन महारानी कुंती कहती है कि मैं आपसे विपत्तियां मांगती हूँ, क्योंकि जब जब विपत्तियां आई आप हमारे साथ थे। विपत्तियां आती है तो हम आपका दर्शन करते हैं, आपका संग प्राप्त करते हैं, और उससे हमारा अपुनः भव दर्शन, अब भव रोग से छुट्टी मिल जाती है। जब लक्षाग्रह में चलाया जा रहा था, आपकी कृपा हम पर हुई, दुर्वासा ने हम पर
कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ भोजन करूंगा। वह वन में थे, हमारा कुछ नहीं था, तब आप आए, आपने हमारी सहायता की, महाभारत के युद्ध में आपने हमारी सहायता की, पग पग पर जब हम मुसीबत में थे आपने हमारी सहायता की, अब हमें राज्य मिल गया है तो आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, तो इससे तो अच्छा है कि हमारे ऊपर विपत्ति आए। भाव ये है कि हमें कृष्ण की याद बनी रहे, कृष्ण की सेवा हम करते रहे हर परिस्थिति में, और भगवान श्री कृष्ण भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें उतना ही देते हैं भौतिक उपलब्धियां, भौतिक ऐश्वर्य, जिससे हमारी भक्ति में प्रगति ना रुके, भक्ति में उन्नति हो कर सके हम। लेकिन साधारण धारणा हमारी यही है कि हम दोनों क्षेत्रों में साथ साथ प्रगति कर ले, भौतिक दृष्टि से भी हम बड़े संपन्न रहे, ठाट बाट से रहे, सब कुछ ठीक रहे, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम प्रगति करते रहे। प्रायः ऐसा होता नहीं है, इसलिए जो वास्तविक भगवान के भक्त हैं, भगवान जो है वो भौतिक प्रगति का आशीर्वाद नहीं देते। एक बार श्री प्रभुपाद ट्रेन में जा रहे थे अपने 3 ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ। उस ट्रेन में दूसरे व्यक्ति भी थे, एक व्यक्ति था, उसका अपना बेटा था छोटा। भारतीय परंपरा है कि जब साधु महात्मा मिलते हैं तो उनके दर्शन के लिए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर प्रभुपाद जी के पास गया आशीर्वाद, कि स्वामी जी हमें आशीर्वाद दीजिए, आप इसको आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी चुप चुप रहे, 2-3 बार उसने कहा, जब वो नहीं माना तो प्रभुपाद जी ने इसको आशीर्वाद दिया कि ये आपका बच्चा मेरे ब्रह्मचारियों जैसा बन जाए। अब ये आशीर्वाद उसने सुना तो वो घबरा गया और वहां से चला गया। तो भगवान ऐश्वर्य नहीं देते, ऐश्वर्य ले लेते हैं। महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री से पूछा था कि हम पर ये विपत्तियां क्यों आ रही हैं इतनी। तब महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यस अहम अनुग्रामी हरिष्यत धनम शनि, कि जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका मैं सबको धीरे धीरे हर लेता। लेकिन एक बात और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति में निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी नमे भक्ता प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र, तुम ये निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। विनाश होने से मतलब है कि भौतिक स्तर पर सिंपल लाइफ रहने के लिए, वो जीवन करने के लिए योग रहता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी जो चेतना है उसका कभी भी पतन नहीं होता, वो भक्ति में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता। नमे भक्ता प्रणश्यति, इसका वास्तविक मतलब यही है कि मेरे भक्त की जो भक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत है, वो बढ़ती जाती है, उसका कभी विनाश नहीं होता। लेकिन वो भक्ति कर सके इसके लिए जो मिनिमम उसकी भौतिक रिक्वायरमेंट है वो अवश्य पूरी होती है। श्रीवास पंडित थे चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग सखा थे, उनका परिवार था, वो कुछ करते नहीं थे। एक बार महाप्रभु आए, से कुक पूछा, कहा कि शिवास तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलता, तुम कुछ काम क्या करो। उसने कहा, महाप्रभु मेरी इच्छा नहीं है काम करने। तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, पर तुम संन्यास ले लो, अगर तुम्हारा कुछ काम धंधा करने की इच्छा नहीं है तो आप संन्यास ले लीजिए। देखो, नहीं, संन्यास के नियम भी मैं पालन नहीं कर सकता तो फिर तुम्हारे घर का गुजारा कैसे होगा। तो श्रीवास पंडित ने 3 ताली बजाई, 1, 2, 3। महाप्रभु ने पूछा कि क्या मतलब है इसका। श्रीवास ने समझाया कि यदि मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए तो मैं 1 दिन उपवास करूंगा, 2 दिन उपवास करूंगा और 3रे दिन उपवास करूंगा। जब 3 दिन नहीं कुछ मुझे मिलेगा तो मैं आपका नाम लेते हुए गंगा में प्रवेश कर दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। तो महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास, लक्ष्मी जी को भिक्षा मांगनी पड़ सकती है, लेकिन तुम्हारे पास कभी
जो भौतिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए धन की कमी नहीं होगी। हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करें, मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, नित्य दास प्रति त्वाधिकार। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं अपने भजन में, मानस देह गेह जो कुछ मोर अर्पिल तू अप दे नंद किशोर, कि कृष्ण हे नंद किशोर जो कुछ मेरा है वो आपको समर्पित है। मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, जिस स्थिति में भी आप रखेंगे मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। तो भक्तों को भगवान से भौतिक वस्तुओं की के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए, न भगवान से न उनके भक्तों से, लेकिन जितनी हमें जरूरत है वो हमें समय मिल जाएगा। और भगवान इस बात का ख्याल रखते हैं कि अधिक यदि मैंने दे दिया और ये भक्ति के पद से हट गया तो उसका क्या लाभ है। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर जो उनके पास आता था उसे आशीर्वाद स्वरूप एक ही बात कहते थे, कृष्णेर मति अस्तु, कि तुम्हारी जो मति है, तुम्हारा जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण में हो। और वह स्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम क्रियताम यदि कुतो भी लंबे थे तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सूर्ति न लंबे, कि वो मति वो मन जो हमें कृष्ण की भक्ति में लगाए उसे खरीद लीजिए खरीद लीजिए खरीद लीजिए, जहां से भी मिले जिस मूल्य पर भी मिले खरीद लीजिए, क्योंकि वो करोड़ों जन्मों के पाप पुण्य कर्मों से भी नहीं मिल सकता। उसका एकमात्र मूल्य क्या है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, उसका एकमात्र मूल्य है तीव्र उत्कंठा। तो हम ये इच्छा बनाए रखें कि हमें भगवान की भक्ति गंभीरता से करनी है। एक बार श्री प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे, उनके कुछ शिष्य भी साथ में थे, अपनी कार में बैठे, दरवाजा बंद करने वाले थे कि उनका शिष्य भाग कर आया, दरवाजे के बीच में से अंदर मुंह करके बोला, प्रभुपाद हाउ कैन वी प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल डिजायर, हम स्पिरिचुअल हाउ कैन वी प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल पाथ, हम स्पिरिचुअल मार्ग में कैसे प्रगति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, कोई पैराग्राफ भी नहीं बोला, एक सेंटेंस भी नहीं बोला, एक शब्द ने उसका उत्तर दिया, डिजायर, कि हम अपनी डिजायर अपनी इच्छा रखें। वही बात जरूर गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम क्रियताम यदि तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, तो एकमात्र उसका जो मूल्य है लौल्यम तीव्र उत्कंठा। हम भगवान में श्रद्धा रखते हुए, गुरु जी में श्रद्धा रखते हुए, भक्तों में श्रद्धा रखते हुए इस बात की इच्छा करें, इस बात के लिए आशीर्वाद मांगे कि कृष्ण हमारी भक्ति में प्रगति हो। और भगवान श्री कृष्ण हमें वो हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेंगे जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो। इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमारा जीवन भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यमय होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जो स्थिति हमारी भक्ति में प्रगति या भक्ति में प्रगति करने के लिए उपयुक्त है वो भगवान देंगे। भगवान के भक्त राजा भी हुए, रंक भी हुए, महाराज प्रताप रुद्र राजा थे, भगवान चित्र महाप्रभु के भक्त थे, खुला उच्च श्रीधर वो निर्धन थे, वो भगवान के भक्त थे। तो मनी नॉर्मली जब ज्यादा हो जाती है तो बाधा डालती है, लेकिन अगर हमारा माइंड सेट ठीक है, हम भक्तों का संग करते हैं, हम फिलॉसफी को ठीक प्रकार से समझते हैं कि जीवन का लक्ष्य भौतिक प्रगति करना नहीं है, भक्ति में प्रगति करना है, तो भगवान हमारी हर प्रकार से सहायता करेंगे और हमारी जो वो इच्छा जो भक्ति में प्रगति करने की वो अवश्य पूर्ण करेंगे। और भौतिक दृष्टि से हम इतना जरूर रहेंगे कि हम गुजारा कर सके। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि अगर हम सीरियसली भक्ति करते हैं तो भौतिक दृष्टि से हो सकता है हम आगे ना बढ़े,
इनफैक्ट पतन भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कृष्णा कभी भी हमारा पतन नहीं होने देंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से हम डेफिनेटली आगे ही बढ़ते रहेंगे अगर हम सीरियसली भक्ति करते हैं। बहुत सुंदर मैसेज था आपका, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू।